गाइस तो आज मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सएप में जो है दो एक अपडेट आया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गाइस आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है, इसलिए मैं छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कि ये कितनी जरूरी है और इसमें क्या क्या चीज इसके अंदर फीचर्स दी गई है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए आप देख रहे हैं टेक्निकल किंग मैं अखलाक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया दो फीचर्स इस अपडेट में व्हाट्सएप में जुड़ा है। तो गाइस वो अपडेट है, फर्स्ट जो उसके अंदर फीचर्स जुड़ा है वो है डिसअपीयरिंग मैसेज। जी हाँ गाइस, ये डिसअपीयरिंग मैसेज उसको बोलते हैं जैसे आप किसी पर्सन को आप मैसेज कर दिए और अगर आप डिसअपीयरिंग मैसेज को ऑन रखेंगे तो वो 7 डेज के बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा उसके अकाउंट से और आपके व्हाट्सएप के अकाउंट से। तो गाइस इसका पूरा फीचर्स और डिटेल्स आपको इस वीडियो में मोबाइल के स्क्रीन पे ले जाके बताने वाला हूँ। और गाइस दूसरा जो है वो है जैसे किसी भी चीज़ को आप शेयर करते हैं, मतलब एनीथिंग, कोई ऐप को शेयर किए या वीडियो को शेयर किए, तो वो जितना बार आप दूसरे को शेयर किए वो बनता जाएगा फाइल और आपके फ़ोन को भरता जाएगा, जैसे किसी फोटो उसको। तो गाइस ये छोटी छोटी बात है, मतलब जैसे मेरे फोन में ज्यादा से ज्यादा लगभग 700+ मेरे पास कॉन्टैक्ट है, जैसे मैं शेयर करता हूं और मेरा फोन इतना ही जल्दी भर जाता है जिसके अंदर की 64 GB स्टोरेज के साथ रहते हुए। तो ये सबके पास दिक्कत हो रहा है स्टोरेज को लेकर। तो स्टोरेज को लेकर एक आया मीडिया स्टोरेज के अंदर कि आप हर पर्सन को चेक कर पाएंगे कि जो आप मैसेज किए वो कितना MB का किया और उसके अंदर अगर वीडियो किए कितना MB का, वो सब चीज चेक कर पाएंगे। तो गाइज ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी वीडियो लगेगी मुझे उम्मीद है। तो गाइस बस चलिए आपको फोन स्क्रीन पे लेके चलते हैं। गाइस जैसा कि हम मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं, आपको सबसे पहले व्हाट्सएप के अंदर लेके चलना। तो गाइस आपको सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं, प्ले स्टोर के अंदर आपको व्हाट्सएप सर्च करके आपको जो है देख लेना आपका व्हाट्सएप मतलब लेटेस्ट अपडेट है या नहीं। यहां पर आपको अगर अपडेट मांग रहा हो तो अपडेट कर लीजिएगा, मैं जैसे अपडेट कर चुका हूं। तो गाइस इसके अंदर जाना, व्हाट्सएप के अंदर जब ओपन करेंगे उसके बाद जो आपको डायरेक्टली देख सकते हैं किसी भी मतलब एक किसी का भी आप ले सकते हैं, जैसे मैं कॉन्टैक्ट लेता हूं आपके सामने, जैसे ये वाला कॉन्टैक्ट है, मैं इस पे क्लिक किया और ये ऊपर में क्लिक किया। ऊपर में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहां पर आपको दिख रहा डिसअपीयरिंग मैसेज दिख रहा होगा आपको, ये डिसअपीयरिंग मैसेज ये जो है ये बिल्कुल न्यू फीचर्स आया है। ये जो है इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहां पर दिखेंगे जो लिखे हुए हैं, गेट स्टार्टेड विद डिसअपीयरिंग मैसेज, और लिखा गया है कि आप अगर किसी को मैसेज करते हैं, आप अगर इसको कंटिन्यू करके ऑन कर देते हैं तो होगा क्या कि आप जब उसको मैसेज करने के ठीक 7 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली उसके मैसेज बॉक्स के और आपके व्हाट्सएप के बॉक्स से डिलीट हो जाएगा। और गाइस एक चीज और है, ये जो डिलीट हो जाएगा और इसको आप ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं डिसअपीयरिंग मैसेज को, जब से ऑन रहेगा तभी से आपका मतलब वो काम करेगा, आपका मैसेज जो भेजिएगा किसी को पर्सनल मैसेज या कोई मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट होगा। अगर जिसको भेजे अगर वो शेयर कर देता है आगे तो वो क्या होगा, वो डिलीट नहीं हो पाएगा, भले उसके जो मैसेज आप उसके कॉन्टैक्ट में भेजे हैं व्हाट्सएप में डिलीट हो जाएगा, लेकिन दूसरे पास अगर वो व्हाट्सएप में शेयर कर दिया या किसी ग्रुप में तो वो डिलीट नहीं होने वाला। ये भी आप अपना कंफ्यूज को क्लियर कर लीजिएगा तभी आपको फोन के स्क्रीन पे लेके आओ। तो गाइस आपको दूसरा अपडेट के दूसरे फीचर्स के अंदर लेके चलता हूं। देख सकते हैं 3 डॉट आपको दिख रहा, ये 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग दिख रहा, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए नेटवर्क एंड डाटा दिख रहा होगा, यहां पर स्टोरेज एंड डाटा, इस पर क्लिक कीजिएगा और देख सकते हैं ये न्यू फंक्शंस न्यू फीचर्स आया है जो आपको दिख रहा है, नेटवर्क यूसेज और यहां पर मैनेज स्टोरेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी मुझे अपडेट लगी ताकि आप सभी को सभी कॉन्टैक्ट्स को देख पाएंगे कितने कितने MB का मेरे फोन के अंदर इतना भरा हुआ है स्टोरेज, जो भी है स्पेम फाइल जो भी है, इस पर क्लिक कीजिए। मैंने जो स्टोरेज देख सकते हैं यहां पर बताया जा रहा है 2.8 GB, मतलब 3 GB लगभग जो है मैं व्हाट्सएप में यूज कर चुका हूं, देख सकते हैं गाइस, और आपको पता भी नहीं चल, देख सकते हैं जितना फॉरवर्डेड किए हैं यहाँ पर रिव्यू एंड डिलीटेड आइटम्स का, फॉरवर्डेड जितना भी किए जितना मैनी आइटम्स किए उतना बार जो है वो मैनी मतलब जुड़ता गया। जैसे 19 MB का एप्स है, अगर हम 10 आदमी को शेयर किए तो वो क्या हो गया 190 MB का हो गया। तो इसीलिए इस फीचर्स को आप इस्तेमाल करें और इस पर क्लिक करके आप आराम से देख के आराम से सेलेक्ट करके और आप सभी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी। देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स के अंदर आप आते हैं तो कॉन्टैक्ट्स के अंदर भी आपको दिख जाएगा, मतलब 308 MB 288 MB इसको यूज़ किए या फॉरवर्ड किए वीडियो में तो ये तो दिख रहा है। तो गाइस ये बहुत अच्छी फीचर्स है, आप यूज़ करें और जो भी आपके डेटा में मतलब SPM लग रहा आपका फ़ोन भरा हुआ तो आप बचा सकते हैं, मतलब बिना फाइल से डेट किए आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, अभी मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए
जैसा कि आपको ये अपडेट के बारे में पूरी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। वीडियो आपको पसंद आए अभी अभी मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करें ऑल करें। अगर आपका कुछ भी सुझाव हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर किसी वीडियो का टॉपिक सजेस्ट करना हो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।